आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर और हमारे साथ गायक हैं शशिभूषण जी। शशिभूषण जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मेरे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। जी शशि जी, एक बात बताइए, आज का जो कार्यक्रम था उसमें क्या विशेष था और क्या आपको अच्छा नहीं लगा वो बताएं दोनों से। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने का है और पार्लियामेंट में आपका न्यूज चैनल वहाँ मौजूद था और मैं देख रहा था। आज बहुत कम टाइम दिया गया क्योंकि वहाँ चंद्रशेखर रावण पहुँचे हुए थे तो उनकी वजह से सरकार ने थोड़ा वहाँ मामला टाइट किया और जल्दी ऑफ करा दिया, सब बंद हो गए वहाँ। लेकिन बाबा साहब की श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत काफ़ी लोग पहुँचे, आप खुद ने खुद देखा है और बहुत अच्छा लगा। मैंने भी गीतों से नया गीत एक नया आया भी आपने रिकॉर्ड किया होगा तो वहाँ दिया। दलितों को तुमने सिखाया है जीना भीम प्रवीणा, पत्थरों को तुमने बनाया नगीना भीम प्रवीणा, शोषितों को तुमने सदियों से रोती आई भारत की नारी अबला बेचारी। तो ये गीत मैंने दिया, नया गीत मैंने जी, मैंने सुना है इस गीत को लिखने में आपको कई महीने लग गए, क्या है वो बताएं और ये प्रेरणा कहाँ से मिली उसके बारे में बताएं। देखिए, अगर इस गीत की बात करेंगे तो ये गीत मैंने एक बलवंत सिंह नाम के व्यक्ति थे, मेरठ के रहने वाले थे, बागपत साइड के, और बाबा साहब जब मेरठ में गए थे तो वो अपनी क्लास छोड़ के, क्लास स्कूल बंक करके वो बाबा साहब को सुनने गए और जब उन्होंने बाबा साहब को सुना तो अपने घर लौट के आए और उन्होंने बाबा साहब के ऊपर कविता, गीत और ये सब लिखना स्टार्ट कर दिया और बाद में उन लोगों को, उनको, उन शख्सियत को हम बुद्ध संघ प्रेमी जी के नाम से जानते हैं, तो बुद्ध संघ प्रेमी जी का ये गीत है, उनसे मैंने लेके और इस गीत को रिकॉर्ड किया। बहुत मेहनत लगी इस गीत में, काफ़ी इसको म्यूज़िक बनाने में इसका, और बड़ी मेहनत के बाद इस गीत को आज यहाँ उसमें प्रस्तुत किया हमने। और मेरी टीम है, दीपक बौद्ध हैं, आप टीप देख रहे होंगे, ये निखिल बौद्ध हैं और इधर मेरी जीवन साथी भी हैं और मेरी टीम की भी मेंबर हैं। आपने बताया मेरी जीवन साथी हैं, तो आप जो इनके साथ रहते हैं अपना बिजी शेड्यूल में कैसे आपको टाइम दे पाते हैं, क्या है वो बताएं जरा। सर, पहले सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम, और आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है तो हम सभी को सेलिब्रेट करना है इसे। और आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं। कहते हैं एक सफल आदमी के पीछे एक सफल नारी का हाथ होता है, तो कहाँ तक है आपका हाथ इनको सपोर्ट करने में वो बताएं। मैं पूरी तरह से सपोर्ट करती हूँ। लग रहा है आपकी ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ जो है दोनों का ब्लू एवरीथिंग सब मैचिंग। हमारे चैनल की तरफ से आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ आपका शुभ नाम जान पाऊंगा, निखिल। निखिल निखिल बोल रहा हूँ। निखिल जी, आप पहली बार आए हैं या कंटिन्यू आते रहते हैं? कंटिन्यू आते रहते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगता है। एक हमने नया ग्रुप बनाया है अपना, समता म्यूजिकल ग्रुप। अच्छा, और हम आप सबके सामने ऐसे ही कंपोजिशन भी करते रहते होंगे आप लोग, क्या नया कर रहे हैं उसके अंदर बहुजन समाज के लिए? हाँ जी, जरूर हम कर रहे हैं, अब आपके बीच वो सब कुछ हम जरूर लाएंगे, जल्दी लाएंगे। जी, आप दीपक जी हैं? हाँ जी। अच्छा, जय भीम नवोदय में। जय भीम नवोदय सर, जिस तरह से शशि भैया जी नए नए संगीत को लेकर आते हैं और बाबा साहब के सॉन्ग इतने ही उभर कर आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है और ये पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है बाबा साहब के सॉन्ग गाने से बड़ी खुशी मिलती है और हम चाहते हैं कि संगीत के माध्यम से ये पूरे विश्व में प्रसार फैले। सर, बहुत बढ़िया। शशि जी, आप बहुत सारे लोगों को नए नए गाने का चांस देते रहते हैं, बहुत मौका देते रहते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? कहीं आपको नहीं लगता है कि कंपटीशन की लाइन में आ जाएंगे आपकी? देखिए, ये तो बाबा साहब का, और ज्ञान जो है जितना उसको बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है। मेरे बाद में मेरे इन गीतों को कौन गाएगा? लेकिन मैं तो चाहता हूँ मेरे जीते जी मेरे लोग गीत गाए जाएं, मैं मरने के बाद नहीं देखना चाहता, क्योंकि देखेगा ही नहीं कोई, मैं तो देखूंगा नहीं, जमाना देखेगा, लेकिन मैं ये जीते जी देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ में जब मेरे गीतों को ये गाएंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। इसलिए मैं नई पीढ़ी को तैयार कर रहा हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और आज की जो आप ही की चाय पी रहा हूँ, एसएम न्यूज़ की चाय पी रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगाया है। एसएम न्यूज़ ने यहाँ टी स्टॉल लगाया है सभी के लिए और मैंने एक ये है, एक और पीऊँगा, बड़ी खुशी होती है अपनों का अन्न खाते हुए, क्योंकि आप ही का खा रहा हूँ और एक एक अन्न का कर्ज जो है, जो बाबा साहब का उस समाज का है, उसे उतारने की कोशिश करूँगा, मुझ पर कर्ज है समाज का, बाबा साहब का। आप थे शशि भूषण जी, जो बहुत सारे नए लोगों को प्रेरणा स्रोत भी रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प भी करते हैं।